उमरेठनगर में ऐतिहासिक वराही माता आसो सुद नोमना गुरुवार रोज श्री वराही माता हवन चौक में चंद्रकांत भाई दवे आचार्य पदे तेमज स्वर्गस्थ नरेन्द्र राय प्रभाशंकर भट्ट परिवार यजमान पदे नोमनो हवन योजायो हतो। बाज खेड़ावाड़ ज्ञाति सेवकोए हवन की तैयारी पूर्ण करी थी। ब्राह्मणों में अनेरू धार्मिक महत्व धरावता वराही माता हवन दर्शन लाभ लेवा दूर दूर से आए थे। लोकवायका है कि भारत में मा उमरेठ और काशी खाते योजाता ऐतिहासिक वराही माता हवन दर्शन लाभ लेवा खास कर बाज खेड़ावाड़ ज्ञाति दूर दूर से आए थे। आ समय ब्राह्मण परिवार में उत्सव जो वातावरण हो वराही माता हवन अनेरू धार्मिक महत्व धरावे छे। वराही ट्रस्ट प्रमुख सुरेश भाई जोशीए जणाव्युं हतुं के हवन दरमियान होमाता 19 कवच काळा दोराने गांठ मारी शरीर पर धारण करवामां आवे तो वर्ष दरमियान स्वास्थ्य सुख मळे छे। ज्यारे चमत्कारिक वराही माताना आ हवन आखी रात चालतो होवा छतां पण लोको जागी आ 19 कवच होमाय त्यां सुधी हवनना दर्शनो लाभ लेता होय छे। अने 19 कवच दरमियान पोतानी साथे रहेला काळा दोराने 19 गांठ मारता होय छे। आ हवन में यजमान पदे बेसवा माटे नाम लखवामां आवे तो लगभग 40 वर्षे यजमान पदे बेसवानो लाहो मळे छे। यजमानना घरे आ समये लग्न प्रसंग होय तेवुं वातावरण थई जाय छे। खास करीने बाज खेड़ावाड़ ब्राह्मणों में अनेरू धार्मिक महत्व धरावता चमत्कारिक वराही माताना हवन में 19 कवच होमवामां आवे छे। आ हवन में 200 मण लाकड़ा 50 किलो पायस 100 किलो तल 50 किलो घी 1000 नंग नारियेर तथा मोटी मात्रा में पूजा भव वपराय छे। दूध में चोखा पण रांधवामां आवे छे जेनो उपयोग भविष्य तरीके करवामां आवे छे। उल्लेखनीय छे कि सदर हवन पहला विशिष्ट पूजा करवामां आवे छे जे 3 प्रहरनी होय छे। एटले के ते दिवसे सवारे 10 कलाके त्यारबाद सांजे 7 कलाके अने रात्रे 10 कलाके पूजा विधि कर्या बाद ज हवन शुरू थाय छे। माताजी जे स्थळे प्रगट थया हता ते ज स्थळ पर आ हवन करवानी वर्षोथी परंपरा चाली रही छे। आ हवननी विशेषता ते छे के हवन माटे कोई कुंड बनावामां आवतो नथी। जमीन पर मात्र गायनुं गोबर तथा माटीनुं लीपण ज करवामां आवे छे અને તેની પર હવનમાં ઉપયોગમાં લેવાના કાષ્ટ ગોઠવવામાં આવે છે। વિક્રમ સંવત 1810 ઈસવીસન 1754માં શ્રી વારાહી અંબે માતાજીની મૂર્તિઓ ભોલવા કુવામાંથી પ્રગટ થઈ હતી। અંદાજે 260 વર્ષ પૂર્વે શ્રી વારાહી માતાજીની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી હતી। જે મૂર્તિ હાલ જે મંદિરમાં છે ત્યાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરીને મુકાઈ હતી। વારાહી માતાજીના હવન નિમિત્તે વિવિધ ધાર્મિક આયોજનો કરવામાં આવ્યા હતા। કોવિડ-19ના કારણે સોશિયલ મીડિયા તેમજ લાઇવ ટેલિકાસ્ટ દ્વારા દર્શન કરવા ભક્તોને વારાહી માતા ટ્રસ્ટ દ્વારા ખાસ અપીલ કરવામાં આવી હતી। રિપોર્ટ TN ન્યૂઝ।